कर चुके हैं IIT पटना में। ये हैं हमारे साथ विभूति जी, मेरा नाम हुआ रामकृष्णा। हेलो सभी को। तो IIT गेट के अंदर इंटर करते ही आपको सबसे पहले दिखेगा एक बहुत बड़ा एरोप्लेन। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती को। यहाँ का इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक साइकिल, और उसके बाद देखिए लड़के सब जा रहे हैं। देखिए इंटर करते ही यहाँ पे एक शानदार एयरफोर्स का एरोप्लेन आपको देखने को मिलेगा। यह इस IIT पटना की शोभा को बहुत हद तक बढ़ा देता है, चार चांद लगा देता है इसकी शोभा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं से डिवीज़न होता है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जाना है, ट्यूटोरियल ब्लॉक जाना है, ब्लॉक 4 ब्लॉक 6 ये आपका लेफ्ट साइड पड़ेगा। और इधर का अगर बात कर लें तो राइट साइड आपका, ये देखिए तीन चीज़ें हैं, हॉस्पिटल है, बॉयज़ हॉस्टल हमारा आर्यभट्टा है, और ये सारे क्वार्टर्स हैं जो स्टाफ के रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे मेन गेट के सामने ये देखिए, सभी लोग हाय कर दीजिए एक बार। ये विभूति जी हैं और ये CS के हमारे दो मित्र हैं। चलिए तो आपको ले चलते हैं और आगे। ये रहा आपका एडमिन ब्लॉक। तो एडमिन ब्लॉक में जैसे ही इंटर करेंगे, ये आपका सबसे बड़ा एक फ्लैग है यहाँ का। फ्लैग हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को होस्ट होता है। तो एडमिन ब्लॉक जाते ही एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपका अकाउंट डिपार्टमेंट है। यहाँ के मतलब सारी जो गतिविधियाँ हैं यहीं से कंट्रोल होती हैं। तो यहाँ पे आपको अकाउंट डिपार्टमेंट, इवन जो आपके HOD हैं और उनके अंडर जो स्टाफ काम करते हैं, तो सारे स्टाफ आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे। इसके जस्ट लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, इधर आपका ट्यूटोरियल ब्लॉक है और भी टीचिंग स्टाफ्स के ऑफिसेज हैं। आगे बढ़ते हैं, एडमिन ब्लॉक के जस्ट अंदर आप देख सकते हैं एक नया सेंट्रल लाइब्रेरी हॉल का उद्घाटन होने ही वाला है। तो वो बनकर तैयार है, कुछ दिनों में ही उसका उद्घाटन होने वाला है। उसके बाद इधर एडमिन ब्लॉक से आगे बढ़ेंगे तो इधर आपका ड्रोन और दूसरे हॉस्टल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। आगे कैफेटेरिया है जिनका हम आपको एक विजिट करवाते हैं। तो आइए, यहाँ से बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल लाइब्रेरी हॉल का। तो यहाँ पे आपको सभी तरह की तमाम किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं कल ही गया हुआ था यहाँ, गीता, रामायण, इंजीनियरिंग की तो जो तमाम पुस्तकें हैं वो हैं ही, साथ ही साथ धर्मशास्त्र के भी सारी किताबें यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और खूबसूरत चीज़ से मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा, यहाँ आपको जितने भी पेड़ दिखेंगे सभी के ऊपर उसका नाम आपको दिख जाएगा। जैसे कि यह पेड़ जो है खजूर का है, इसके आगे जो तमाम पेड़ होंगे सभी के ऊपर उनका नाम और साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। तो आइए और आगे चलते हैं। जा रहे हैं अब कैफेटेरिया, भूख लग गया थोड़ा, यहीं पे होगा जलपान। कैफेटेरिया में खाने पीने की सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो भी आपके केक हैं और बेकरी आइटम्स हैं जितने, चाय, रिफ्रेशमेंट, थोड़ा जो ड्रिंक है वो सब भी मिल जाएगा। वैसे तो ये ड्राई स्टेट है लेकिन यहाँ पे सिंपल जो होते हैं ड्रिंक्स वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आप दिखाते हैं। तो कैफेटेरिया हम लोग इंटर करने वाले हैं। ये देखिए बाहर लाइटिंग लगी हुई है ट्रीज के आगे। यहाँ सभी लोग क्लासेस के बाद एंजॉयमेंट के लिए आए हुए हैं। यह IIT पटना की शोभा में चार चांद लगा देता है। तो आइए आपको अंदर दिखाते हैं क्या क्या व्यवस्था है। यहाँ बैठने के लिए शानदार सीट है, सबसे पहले तो आपको दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नॉवेल्स वगैरह दिख जाएंगे, सारे नॉवेल्स। उसके बाद यहाँ आप देखिए, यहाँ कैश नहीं चलता है, जो भी रहेगा आपका कैशलेस रहेगा। ये आपको केक दिख रहा है और उधर आप देख सकते हैं। इधर देखिए एक बड़ा स्क्रीन है, ये आपका है आशिमा हॉस्टल। कैफेटेरिया से जस्ट इंटर करते ही आपको ये गर्ल्स
हॉस्टल दिख जाएगा, आसिमा लड़कियों का एक छात्रावास है। इसके जस्ट बाद यहाँ से जो आप देखेंगे, जो जंगल की खूबसूरती है वो देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको। ऐसे तो ये IIT है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। दूर दूर तक आप देखेंगे पेड़ पौधे और हरियाली ही हरियाली आपको नज़र आएगी। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स दिख जाएंगे। इंटर करते के साथ ही यहाँ पे इधर आप जाएंगे तो कलाम ब्लॉक है, आगे बढ़िएगा तो आर्यभट्टा ब्लॉक है और एक CV रमन ब्लॉक है। तो चलिए वहाँ ले चलते हैं आपको। आसिमा छात्रावास से इंटर करते ही आपको तीन चीज़ दिखेगी यहाँ पर। लेफ्ट साइड जाने पर एक बॉयज़ हॉस्टल है, मैरिड हॉस्टल है और जिम खाना है। तो बताना चाहूँगा बॉयज़ हॉस्टल में तीन तरह का बॉयज़ हॉस्टल है, एक कलाम, एक CV रमन और एक आर्यभट्टा। तो इन तीनों हॉस्टल्स में लड़कों को रूम अलॉट किया जाता है रहने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ATM है, उसके आगे साइकिल रिपेयर की और फ्रूट्स वगैरह की दुकान आपको दिख जाएगी। आपको यहाँ अलग अलग खेलों के कोर्ट देखने को मिल जाएंगे, तो डिफरेंट स्पोर्ट्स के अलग अलग कोर्ट बने हुए हैं यहाँ पर, जो इस IIT की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला कोर्ट जो है वो वॉलीबॉल का है, उसके बाद दूसरा कोर्ट देखते हैं लॉन टेनिस का है और उसके जस्ट बाद एक और वॉलीबॉल का और एक बास्केटबॉल का कोर्ट है। तो चलते हैं आगे। बास्केटबॉल कोर्ट के जस्ट पीछे जिम खाना है, हम उसका भी दीदार आपको कराएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए सभी गेम्स के अलग अलग ट्रेनर हैं, जिनको एक शेड्यूल टाइम पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। और ये देखिए बेहद बढ़िया सर्विस, लेकिन यह बाहर पाले में गिरी। आगे बढ़ने पर जस्ट आपको बास्केटबॉल कोर्ट दिखेगा। यहाँ पे देखिए लड़के एक गेंद पाने के लिए जूझ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इसका रिनोवेशन अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है, फाउंडेशन डे था कुछ दिन पहले IIT पटना का, तो इस सारे को फिर से पेंट वेंट करवाया गया है, फिर से इसका रिनोवेशन किया गया है, सारे नए बॉल्स और कोर्ट में इक्विपमेंट्स डाले गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बास्केटबॉल कोर्ट के बाद जैसे ही इंटर करेंगे आगे आपको जिम खाना दिखेगा। देखिए लड़के पसीना बहा के बाहर निकल रहे हैं। यहाँ आगे बढ़ने पर आपको मैरिड हॉस्टल दिख जाएगा। जस्ट यहाँ से इंटर करेंगे लेफ्ट जाएंगे तो मैं आपको सबसे पहले जिम खाने के बारे में बता देता हूँ। जिम खाना में आपको डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं इंडोर वो सारे देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं अंदर, आइए इंटर कर रहे हैं हम लोग। इंटर करते ही आपको सबसे पहला कोर्ट देखने को मिलेगा बैडमिंटन का। तो आइए देखते हैं बैडमिंटन कोर्ट किस तरह का है। ये देखिए लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा बैडमिंटन कोर्ट है यहाँ का। ये स्ट्रेचिंग इधर कर रहे हैं लड़के और उधर अपना गेम खेल रहे हैं। यहाँ आने के लिए आपको खुद का सूज और रैकेट लाना पड़ेगा। दो दो ट्रेनर हैं यहाँ पे जो हमेशा आपको ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद आपको इंटर IITs में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की ओर। इधर जस्ट आगे बढ़ने पर आपको इधर दिखेगा स्क्वैश कोर्ट है, अभी ये बंद है, जब खुलेगा तब हम आपको इसको दिखाएंगे। और इधर आप देख सकते हैं जिम है, अंदर का व्यू जाकर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं पहले ग्राउंड फ्लोर पर जो जो खेल के साधन उपलब्ध हैं पहले उनसे रूबरू करवाएंगे, उसके बाद आपको ऊपर ले चलेंगे और जिम का सैर करवाएंगे। क्या देखिए, तो इधर हाल ही में कुछ दिन पहले टेबल टेनिस कोर्ट को नीचे शिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ पर ट्रेनर्स हैं और दो दो कोर्ट्स एक्स्ट्रा लगे हुए हैं जहाँ पे टेबल टेनिस सिखाया जाता है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए टेबल टेनिस कोर्ट है,
हमारे ट्रेनर सर बैठे हुए हैं उधर। हेलो सर, सर हम एक शॉर्ट क्लिप बना रहे हैं टेबल टेनिस कोर्ट का, थोड़ा सा बताइए यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रैकेट लगी हुई है और ये रिकॉर्ड करने के लिए इक्विपमेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे दो दो रैकेट, रैकेट से खेलने के लिए कोर्ट है, दो दो टेबल टेनिस कोर्ट, जो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती है। थैंक यू सर। आगे बढ़ने पर जस्ट आपको एक फीमेल जिम कॉर्नर दिख जाएगा, यहाँ पर लड़कियों का एक जिम है, अंदर जा नहीं सकता, कार्डियो का सारा एक्सरसाइजेस है यहाँ पे, अब देख सकते हैं। इससे आगे बढ़ने पर इधर लड़के डांस नाटक ये सब प्रैक्टिस होता है, तो उधर सभी लोग कर रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे जिम की तरफ। तो यह एक फ्लोर है इस पे के ऊपर, जिसके ऊपर आपको डांस का और जितने भी ट्रेनर्स रहते हैं, जो एक्स्ट्रा कुलर एक्टिविटी होती है जिम खाना के अंडर, उसे भी आपको सिखाई जाएगी। जैसे यहाँ पर नेबुला, इन्फिनीटो और अन्वेषा हुआ था ऑर्गेनाइज, तो वहाँ पे दिख जाएगा। अब आइए जस्ट चलते हैं जिम के अंदर। तो जिम के अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने शूज चाहिए होंगे, देख सकते हैं सब लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, अपने शूज लाएंगे तो आप जा सकते हैं। ये हमारे ट्रेनर सर हैं। हेलो सर, ये हमारे भैया हैं। ये देखिए जिम में आपको क्या क्या सुविधाएँ दिख जाएंगी, एक बार दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए यहाँ पर हैवी वेट के लिए है, जो भी जिम में सारी सुविधाएं रहती हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी ये स्टाफ का करने का समय है, अब देख सकते हैं सारे डंबल्स के वेरिएशन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। चलते हैं आगे। जिम से निकलते ही सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही आपको और एडिशनल फैसिलिटीज़ यहाँ की दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये योगा रूम है, आगे डांस रूम है, यहाँ पर योगा रूम है, यहाँ पे कौन कौन से गेम्स हो रहे हैं आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। ये देखिए एक टेबल टेनिस कोर्ट है, लड़के खेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टिल प्रैक्टिस गोइंग ऑन। अभी सर आगे बढ़ेंगे तो कुछ रिफ्रेशमेंट की और आपको सुविधाएं देखने को मिलेगी। ये देखिए सबसे पहले आपका नेक्स्ट कैफ़े है, ये 24/7 सर्विस है, तो यहाँ पर आपको चाय, बेकरी आइटम्स ये सभी मिल जाएगी, यहाँ पर लड़के आके एंजॉय करते हैं। चलिए इसके जस्ट आगे बढ़ते ही एक और ढाबा टाइप का है, तो वहाँ पर आपको कुछ कुछ आइटम्स मिल जाएंगे। ये एक्चुअली एक मेस भी है, मेस के जस्ट आगे आपको खाने पीने की कुछ सुविधाएं और मिल जाएंगी। देखिए देशबंधु सर्विसेज नाम से खुला हुआ है, यहाँ पर आपको ऑमलेट वगैरह और जो भी आइटम्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सभी, चाउमीन, बर्गर ये सभी आपको मिल जाएगा। चलिए यहीं जस्ट इससे अटैच्ड है एक हबनेट कंप्यूटर्स, जहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी होंगे रिलेटेड इश्यूज उन सभी को आप रिजॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर सभी रिपेयरिंग सर्विस है, इसके अलावा स्पाइरल बाइंडिंग, प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग ये सभी हो जाएगी। जितना भी कंप्यूटर से काम है आपको यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाएगी। एक बार और देख सकते हैं अंदर कुक जो हैं वो खाना बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासेस स्टार्ट होने के पहले यहाँ पर टेंट वगैरह लगते हैं, जो लोकल शॉप्स रहते हैं, लोकल ऑनर्स, वो आके यहाँ पे शॉप्स लगाते हैं, आपको सारी आइटम यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अभी तो वो जा चुके हैं। आगे बढ़ने पर यहाँ पर देखिए ये आर्यभट्ट का ब्लॉक ए है और इधर आर्यभट्ट का ही मेस है, तो इस मेस में बीटेक वाले खाते हैं और इसके पीछे जो मेस है उसमें एमटेक और पीएचडी वालों को, जो भी लड़के रहते हैं उनको खाना सर्व किया जाता है, तो हम वो दिखाने का प्रयास आपको करेंगे इस वीडियो के माध्यम से।
चलते हैं आगे। देख सकते हैं आर्यभट्ट का जो ये है बी ब्लॉक है, यही मेन ब्लॉक यहाँ का कंसिडर होता है। बी ब्लॉक में आपके वार्डन, केयर टेकर ये सब रहते हैं। आपको जो भी इसेंशियल कमोडिटीज़ होंगी वो यहाँ से प्रोवाइडेड होंगी, चेयर टेबल, तो यहाँ पे ब्लॉक बी से अगर आप वो ले पाओगे, और कुछ ही लड़कों को ये अलॉट हो पाती है। ये ब्लॉक सी देख रहे हैं आप, ब्लॉक सी में मैक्सिमम गर्ल्स के लिए ही अलॉट किया जाता है। और जस्ट आगे बढ़ने पर हमारा ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा, ब्लॉक डी, आर्यभट्ट डी ब्लॉक में ही हम लोग रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं 7 फ्लोर्स का है यह आर्यभट्ट डी ब्लॉक, और साइकिल अभी पार्क करने का यहीं पर है। हम आपको दिखाते हैं इसका भी पार्किंग स्टैंड आगे बन रहा है, और वह रोड आगे चलिएगा तो वह HPCL निकल जाएगी। अब आपको सीधे लिए चलते हैं मेस की ओर। लाइब्रेरी के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। इधर है हमारा एक कैंटीन, बहुत सुंदर कैंटीन है इधर, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए जो नया सेंट्रल लाइब्रेरी हॉल बन रहा है उसका नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये पुराने वाले से लगभग ट्रिपल या क्वाड्रपल कैपेसिटी का है। इसके आगे बढ़ने पर आपको मेस दिखेगा। ये जो एडमिन ब्लॉक है इसकी यह खासियत है कि इसमें सारे स्टाफ के ये ऑफिसेज हैं, और इसके अलावा यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, एक दो बैंक का ऑफिस भी है यहाँ पे, आप अकाउंट वगैरह का काम भी यहाँ कर सकते हैं। और ये देखिए इसका पार्किंग है, और इसके जस्ट ऊपर कैंटीन है, तो हम लोग आपको कैंटीन चलकर दिखाते हैं। और भाई अपने बारे में बताइए आप लोग, आपका क्या क्या स्कोर था और आपको क्या ब्रांच मिला है? क्या मिला आपको? 45 सिविल इंजीनियरिंग कैंटीन में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था सेलेस्टा, तो उस समय ये वॉलपेपर बना था, अब क्लास ऑफ 2024 का ये वॉलपेपर बना हुआ है। यहाँ सेल्फी जोन एक तरह से कह सकते हैं। अब ये देखिए स्नैक्स पॉइंट है आपका, IIT स्नैक पॉइंट्स नाम से है। हम आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ क्या क्या है। आर्या सर्विस नाम से आपको दिख जाएगा, अमूल का आइसक्रीम पार्लर है। और ये रहा यहाँ पे तमाम आपको स्नैक्स मिल जाएंगे, बिस्किट, केक, मैगी, लेस, कुरकुरे, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पर ठंडा दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ एक तरह से छोटा मॉल है, मॉल के अंदर देखिए स्टेशनरी आइटम्स भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। ये रहा आपका स्टेशनरी आइटम का शॉप, यहाँ पर कॉपियाँ भी आपको बहुत सारी दिख जाएंगी। ये रहे भैया। और इधर आगे बढ़ने पर कुछ कुछ आपको बना बनाया खाना मिल जाएगा, यहाँ ठंडा है। और इधर समोसा लिट्टी है, ठीक है। आगे बढ़ने पर इधर देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा है, यहाँ पर बैठने के लिए हम लोग यहाँ आकर बैठ सकते हैं, खाना खाते हुए यहाँ के पलों का एंजॉय कर सकते हैं। चला है तू मुझे।
Thank you.